अगर आपकी सैलरी 7 लाख या उससे ज्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपकी भी सैलरी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको भी नहीं पता है कि आप 1,50,000 से भी ज्यादा का आप टैक्स बचा सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। Serious? जी हाँ, हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, हम लोग मेडिक्लेम लेते हैं, टर्म प्लान ले लिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले लिया, जिससे कि हमें 1,50,000 तक का ATC के अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आती है तो आज मैं आपको एक और ऑप्शन बताने वाली हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप और 50,000 तक का अपना टैक्स बचा सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से लीगली। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है। इसे हम NPS बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। NPS एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि पेंशन स्कीम है, जो कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, लेकिन अब हर कोई NPS अकाउंट अब ओपन करवा सकता है। आपको ये जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपको 2 लाख तक टैक्स में बचत मिल सकती है। NPS ATCC D1 में तो आता ही है, जिसमें कि आपको ATC का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा आप 50,000 का एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जो कि ATCC DB1 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आपको 50,000 एडिशनली मतलब 1,50,000 आपको ATC में मिलेगा। और अगर आप NPS लेते हैं तो आपको पूरा 2 लाख तक की टैक्स की छूट मिलेगी। अब जल्दी से जान लेते हैं NPS लेने के क्या क्या फायदे हैं और आप कितने अमाउंट तक का मिनिमम आप NPS ले सकते हैं। देखिए, आप अपनी बेसिक सैलरी का जो 10% होता है, आप उतने अमाउंट तक का मंथली NPS ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा मुझे इतना तो इन्वेस्ट करना नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप कुछ नहीं, तो 500 रुपए पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहा आपको 500 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? अगर 500 रुपए आपको पर मंथ ज्यादा लग रहे हैं तो एक और ऑप्शन है, आप साल के सिर्फ 1,000 रुपीज से भी NPS स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% अमाउंट ही NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में अगर है तो आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी एज 60 इयर्स है, 60 इयर्स पर आपको जो भी अमाउंट है उसका 60% लमसम अमाउंट मिल जाएगा और जो 40% है वो आपका एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएगा। NPS में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और Tier 2। अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप टीयर 1 ही अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि टीयर 2 अकाउंट टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी NPS में इन्वेस्ट करता है तो उस कंडीशन पे उसको क्या रिटर्न मिलेगा और वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर NPS का कैलकुलेटर दिख रहा होगा। इस NPS के कैलकुलेटर में हम अपनी एज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल है तो आप 25 साल एडजस्ट करिए, और या उससे ज़्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 25 साल ली है और पर मंथ मैंने 2,000 रुपीज़ डाला है। अगर आप इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर इससे कम भी करना चाहते हैं तो आप इससे कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए ये चॉइस आपकी, आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साल का 1,000 रुपीज़ आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, मैंने महीने का 2,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें एडजस्ट किया है। अब इसमें नीचे देखिए, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो का मतलब है कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आपके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करने का कमांड दे रहे हैं। जैसे कि सपोज हमने ऑटो चॉइस पे जब क्लिक किया तो देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, ये 3 ऑप्शन है आपके जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपका पैसा है वो 3 तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, एक इक्विटी में, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में रिस्क ना के बराबर होता है। आप इस कंडीशन में देख लीजिए कि अगर आप एग्रेसिव चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैसा इक्विटी में ज्यादा डाला जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जगह। अगर आप मॉडरेट करते हैं तो इसमें कम होगा, और अगर आप कंजर्वेटिव चूज करते हैं तो इसमें और अलग तरीके से होगा। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक और पिक्चर दिख रही होगी, इसमें मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप मॉडरेट लाइफ साइकिल में आते हैं तो आपको ई इक्विटी, सी कॉर्पोरेट बॉन्ड और जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको इक्विटी में 50% पैसा डाला जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 30% और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 20% आपके पैसे को एलोकेट किया जाएगा। इसी तरीके से एग्रेसिव में अगर आप लेते हैं तो इक्विटी में आपका 75% डाला जाएगा, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इसी तरीके से अगर आप कंजर्वेटिव चूज करते हैं, अगर आपकी एज 35 इयर्स तक की है तो आपको
25% इक्विटी में डाला जाएगा, कॉर्पोरेट में 45% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30%। और अगर आपने ऑटो चॉइस चूज की है तो ऑटोमेटिकली आपके एज के अकॉर्डिंग आपने इन तीनों में से जो भी ऑप्शन चूज किया है, सपोज अग्रेसिव चूज किया है और आपकी एज 55 ईयर्स है, तो आपका 15% इक्विटी में जाएगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 75% के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये ऑटो चॉइस का मतलब है कि आपके एज के अकॉर्डिंग रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप खुद रिस्क लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को खुद एलोकेट करें, तो आप उस कंडीशन पे ऑटो चॉइस की जगह एक्टिव चॉइस भी चूज कर सकते हैं। सपोज आपने अभी ऑटो चॉइस चूज किया है और उसमें आपने जब एग्रेसिव लिया है, तो उस कंडीशन पे आप अपने पैसे को देख सकते हैं। आपने जो पैसे को अर्न किया है वो है 59,40,156, जबकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 8,40,000 है। तो आपको जो रिटर्न पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 51,156 रुपीज। आप इस कंडीशन में देखिए, आपको जो लमसम पैसा है वो जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 35,64,094 रुपीज आपको लमसम पैसा मिल जाएगा। बाकी जो आपका पैसा है, जो 40% पैसा है, उसको आपको अपने पेंशन प्लान में डालना होगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपका 23,76,063 रुपीज आपका पेंशन प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा, जिसमें कि आपको पर मंथ 13,860 रुपीज मिलेंगे। इन केस अगर आपको कुछ होता है तो उस कंडीशन पे ये जो भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को पूरा दे दिया जाएगा। अब बात आ जाती है कि अगर आप एक्टिव चॉइस चूज करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा। सपोज आपने एक्टिव चॉइस चूज की है, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आप अपने अकॉर्डिंग इक्विटी में भी बड़ा घटा सकते हैं। कितने परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, कितने परसेंट आपको डेट में डालना है, कितने परसेंट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, ये चॉइस आपके ऊपर है। अगर हम इक्विटी में 50% डालते हैं, 25% डेट में डालते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 25% डालते हैं, तो उस कंडीशन पे आप देखिए कि आपका जो पैसा है वो आपने इन्वेस्ट तो वही किया है 8,40,000, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 64,11,704 रुपीज, जिसमें कि आपने जो पैसा अर्न किया है वो 55,71,704 रुपीज। लेकिन ये यहाँ पर आपने इक्विटी में ज्यादा पैसा डाला है, तो इस डिपेंड कि आपने जिस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट किया है उसमें रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस कंडीशन पे आपका इक्विटी का पैसा जो आपने परसेंट डाला है इक्विटी में उतना आपको प्रॉफिट ना हो, आपका एक एवरेज अमाउंट लेके चले कि इतना आपको मिलेगा ही। आप लमसम जो है इस कंडीशन में आपको 38,47,022 रुपीज आपको मिल जाएगा आपकी जब एज 60 होगी। उसके बाद जो 25 लाख के समथिंग बचा है वो पैसा, वो आपका एनुटी बन जाएगी, मतलब आपकी पेंशन बन जाएगी पर मंथ की 14,961 रुपीज की। अब इससे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा है। इसमें आप ऐसे भी रिटर्न पा सकते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, वो भी एनपीएस में डाल के इक्विटी की परसेंटेज को बढ़ाकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किसके पास जाना है, किससे कहना है मेरा एनपीएस अकाउंट ओपन करें, तो इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी होगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी और आपको पता चल जाएगा और आप घर बैठे इजीली अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। बाय।